लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिल्वन प्लाई, ब्रेक नहीं बनता। कोलकाता पुलिस ने 4 छिपकली समेत 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। छिपकली की कीमत 5,70,000 रुपए। नहीं थम रहा ड्रग्स का प्रचार। मुर्शिदाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ किया एक को गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के बाद नदिया में मिला जिंदा बम, आतंक में जी रहे लोग। और राज्य में मरे पशुओं की बिक्री पर क्या लगी है रोक। रेस्टोरेंट में खाने से परहेज कर रहे हैं अब लोग। पंचायत चुनाव का मामला एक बार फिर से पहुंचेगा हाईकोर्ट। भाजपा कर रही है एक चरण में चुनाव का विरोध। आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से भी कुछ अन्य बड़ी खबरें। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न राज्यों में नवानों की ओर से चिट्ठी भेजी गई। नवानों सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार असम, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में चिट्ठी भेजकर केंद्र वाहिनी को बुलाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल बना रणक्षेत्र। हर दल ने कस ली है कमर। जारी है वाद विवाद का दौर। सुनो, वन टू वन बीजेपी विरुद्ध हमला करते चाहिए सबाई मिले, कारण बीजेपी जो सांप्रदायिक राजनैतिक दल, हमरा सबाई बोली तारा सहमति विश्वास करें। इसलिए जो झूठ आरोप लगाकर लोगों को बरगलाना चाहते हैं लोग इसमें नहीं आएंगे। लोग जाएंगे डीएम के असली स्वरूप। আগুনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া, সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেওয়া, কোনো নির্বাচনে থাকে না, মানে এমনকি বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে থাকে না। কোন কিসকো দেগা টক্কর, সত্তা পক্ষকে সর ফির সাজেগা তাজ, ইয়া বিপক্ষ করেগা জিলো কি পঞ্চায়েত পর রাজ। देखिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर सिर्फ लाइव कोलकाता पर। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सोमवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस बात की घोषणा राहुल सिन्हा ने की। भारतीय महिला मोर्चा की 30 घंटों का विरोध प्रदर्शन का शनिवार को आखिरी दिन था। इस मौके पर भाजपा नेत्री लॉकेट चटर्जी के साथ महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने पहले 3 चरणों में चुनाव के तारीखों की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य भर में हिंसा देखी गई। 14 मई को पंचायत होने वाला है। अब भाजपा चाहती है कि एक चरण में पंचायत चुनाव न कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राज्य सभा नेत्री लॉकेट जे भावे महिला प्रार्थी देर ओपर মহিলাদের ওপর তৃণমূলের নির্যাতন যা সভ্যতার সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, এর প্রতিবাদে যে সারা পশ্চিম বাংলায় একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার পরেও মহিলার ওপর অত্যাচারে পশ্চিম বাংলা ভারতের মধ্যে 1 নম্বর স্থান দখল করেছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 दिन की अनौपचारिक शिखर वार्ता आज समाप्त हो गई। इस शिखर वार्ता का मकसद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए आम सहमति बनाना और संबंधों को प्रभावित करने वाले विवादित मुद्दों को सुलझाना था। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस वार्ता के सकारात्मक नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
पीएम मोदी का यह दौरा औपचारिक नहीं था, जिसके मद्देनजर दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच जो बातचीत हुई उसका भविष्य में कई मसलों पर असर दिखने की संभावना है। मरे हुए पशुओं को खाने में परोसने की खबर से आप अब तक अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन क्या इससे आप अलर्ट हुए हैं? देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जरा ठहरिए, क्या आप कुत्ते बिल्ली का मांस खा रहे हैं? रेस्तरां में आपकी प्लेट पर परोसा हुआ मांस कहीं सड़ा तो नहीं? मरे हुए पशुओं के मांस का कारोबार राज्य में फैल चुका है। कई राज्यों में भी सड़ी हुई मुर्गियों के मांस पकाकर लोगों को सर्व किया जा रहा है। इस खबर को देखने और पढ़ने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, राज्य के कई रेस्तरां में खाने के नमूने की परीक्षा की गई और छापे भी पड़े। खैर, इस खबर को सुनने के बाद अब आप भी अलर्ट हो चुके होंगे, लेकिन क्या अब भी आप रेस्टोरेंट में बैठकर नॉनवेज खाने के ऑर्डर देंगे? लाइव कोलकाता की टीम ने कुछ आम लोगों से इस बारे में जानना चाहा। अभी सबसे ताजा मामला है कि रेस्टोरेंटों में मरे हुए पशुओं को सप्लाई किया जा रहा है। लोग नामी गिरामी रेस्टोरेंटों में खाना खाने के लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा शौकीन लोग होते हैं नॉनवेज के। इस नॉनवेज को खाने वाले लोगों के ऊपर अभी क्या बीत रही है ये वही बता सकते हैं, क्योंकि जब से ये घटना सामने आई है कि बज के भांगड़ और साथ ही साथ मरी हुई मुर्गियों को भी कुछ रेस्टोरेंटों में सप्लाई किया जाता है, इसी को लेकर के आज हम निकले हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं और उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। अभी हम लोग वही एक बात करने के लिए इसी मुद्दे पर हम निकले हैं और हमारे साथ अभी एक कामकाजी, ये एक वर्किंग वूमेन है, ये अपने आप को वर्किंग वूमेन बताती हैं, ये अभी अभी यहाँ टहलती हुई मिली हमें। हम इनसे अब ये जानना चाहेंगे कि ये नॉनवेज को कितना पसंद करती हैं और जब से उन्होंने ये सुना है कि रेस्टोरेंटों में मरे हुए पशुओं की सप्लाई की जा रही है तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने जब से ये सुना है कि नहीं कि अभी मरे हुए पशुओं की सप्लाई चल रही है? हाँ हाँ, जरूर सुने, और सुनने के बाद जैसे हम लोग बंगाली होते हैं ना, बंगालियों का सबसे पसंदीदा खाना नॉनवेज में चिकन ही होता है। अब ये सब घटना आने के सामने हम लोग जैसे बाहर रहते हैं मम्मी पापा से दूर, खाने की दिक्कत, तो हम लोग को हमेशा ही बाहर खाना पड़ता है। तो अब ऐसा अगर खबर हम लोग सुनेंगे कि ऐसा मरा मांस मिल रहा है, ऐसा भागर से लगा हुआ, फिर हम लोग डरेंगे ना कि हम लोग बाहर निकल के क्या खाएंगे, किस चीज़ को खा के हम लोग परख करेंगे। और अब तक ये बात होगा कि एक बंगाली होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अब जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे खाने के लिए, हमें हमेशा परख के देखनी पड़ेगी कि वहाँ का ऐसी चीज़ कहाँ से आती होती है और कहाँ से ये आने वाली चीज़, तभी हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे जाके खा सकते हैं, ताकि वो दिन में हो या रात के खाने के बाद। मेरा सवाल ये था मैडम कि जैसे आप लोग खाना खाते हैं और सबसे ज़्यादा जैसा आपने कहा आप बंगाली हैं, तो बंगालियों को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चिकन के विषय में ऐसी जानकारी है कि अभी आने वाले कुछ समय से ये ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि मरी हुई मुर्गियों को रेस्टोरेंटों में सप्लाई किया जाता है, और अभी रिसेंटली मैं कल की बात बता रहा हूँ, दमदम के एक रेस्टोरेंट में सप्लाई के दौरान 70 किलो मरी हुई मुर्गियों को बरामद किया है पुलिस ने, तो फिर आप कैसे सोच के खाना खाने निकलती हैं? देखिए, ऐसा जो परिस्थिति आपके सामने हमारे ऊपर आया है, हम लोग के ऊपर कोई उपाय है नहीं कि हम कुछ करें, तो इसलिए हम लोग को अभी ज़्यादा देर को मांस को छोड़ के अभी वेज की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा, कि वेज भी बंगालियों में ठीक है पर नॉनवेज के होने के खातिर हम लोग लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है, और जो बाहर रहते हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक बात है, क्योंकि वो लोग वेज को सादा खाते ही हैं पर वेज उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वेज में कुछ ज़्यादा वैरायटी आते नहीं है उन लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये थी हमारे साथ एक वर्किंग वूमेन, इन्होंने बताया, इनका कहना है कि वो अपने मम्मी पापा से घर से दूर रहती हैं तो अक्सर रेस्टोरेंटों में खाना खाने चली जाती हैं, और अब इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है ये वेज रहें या फिर नॉन वेज खाएं। इस समय हम लोग खड़े हैं हाथी बागान मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं, अभी वो पूरा
हालांकि ढाका पड़ा है, यहाँ कोई है नहीं। हमने यहाँ के कर्मियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई नहीं है, भीतर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट चालू है। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अभी ये कुछ लोग और जाते हुए दिख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, अगर ये बात करें तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर वन मिनट, सर आप लोग यहाँ आए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि मरे हुए पशुओं को रेस्टोरेंटों में सप्लाई किया जा रहा है, तो आप लोग फिर भी कैसे सोच के घर से निकलते हैं खाना खाने के लिए? हर रेस्टोरेंट तो बुरा नहीं होता है, हर खाना तो खराब नहीं होता है, और हर जगह वो मरा हुआ मुर्गा भी नहीं मिलता है। कल का मैं बात बता रहा हूँ सर, दमदम के एक रेस्टोरेंट से 70 किलो मरी हुई मुर्गियों को बरामद किया गया था, तो इसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है? इफेक्ट तो है, थोड़ा तो डर तो सबको ही लग रहा है, फिर भी हम आ रहे, कुछ दुकानों के ऊपर ट्रस्ट है, इसीलिए आ रहे। धन्यवाद दादा। जैसा कि अभी ये सर बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि कुछ हर दुकान में मरे हुए पशुओं को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, कुछ एक रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहाँ लोगों को अभी भी भरोसा है कि यहाँ जो खाना मिलता है या जो नॉनवेज पसंद करके वो खाने आते हैं वो बहुत अच्छा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ रवि मिश्रा, लाइव कोलकाता। अब आप भी संभल जाइए और बाहर खाने पीने की हर चीज को परख कर खाइए। इस तरह की खबर कहीं आपको भी लगे तो लाइव कोलकाता तक जरूर पहुंचाएं। न्यू टाउन थाने की पुलिस ने शराब चिकन सप्लाई, बेचने व खरीदने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट में सस्ते कीमत का झांसा देकर लोगों को मरे हुए जानवर का मांस खिलाया जा रहा था। एजे सस्ता ओ भालो को धाऊ ने, कहने का मतलब है इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। यह टैग लाइन है न्यू टाउन के आठगढ़ स्थित एक चिकन सेंटर का, जो विज्ञापन के लिए वहां की दीवारों पर टांगा गया है। लेकिन इस लुभावने की आड़ में चलता है सरे चिकन का गोरख धंधा। इस गोरख धंधे से पर्दा शुक्रवार को उठा जब सरा चिकन सप्लाई, बेचने व खरीदने के आरोप में न्यू टाउन व एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने इस घटना में शेख नसरुद्दीन गांजी व फास्ट फूड दुकान के मालिक जनार्दन सिंह को हिरासत में लिया। नसरुद्दीन गांजी ने बताया कि यह मांस न्यू टाउन के आठघरा इलाके स्थित एक चिकन सेंटर से सप्लाई होता था। মুরগিখানে স্টোরেজ আছে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে, সেগুলো দিয়ে আমরা স্যাম্পল নিলাম, এগুলো টেস্ট করে দেখবো এগুলো কি কন্ডিশনে আছে, এগুলো ডিগ্রেডেশন হয়ে গেছে না ভালো আছে বা কী ধরনের বিষয়, এসবগুলো টেস্টিং করবো আমরা। এটা কি সবই মরা? আমরা যেগুলো দিয়েছি আপাতত সেগুলো সব ডিগ্রেডেশন, সবই অবশ্যই কাটা, নিচে তো আপনারা দেখলেন যাতে মুরগি রয়েছে আর কাটা রয়েছে, সবই রয়েছে, এখন টেস্ট না করে কিছু বলা যাচ্ছে। আপনার এখানে কি মানে দেখছি তো মাংসের অবস্থা খুব খারাপ, মানে পচে গেছে, গলে গেছে, রয়েছে সব কিছু, সব রকমই রয়েছে। আপনারা কি করবেন এবার? এবার এটা টেস্ট করে দেখবো আমাদের ল্যাবে। गोते सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने छिपकली बेचने के आरोप में दो शिक्षकों को सोनारपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चार छिपकलियां को बरामद किया। इन छिपकलियों की कीमत 5,70,000 रुपए बताई जा रही है। छिपकली बेचने के आरोप में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो व वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल सेल के अधिकारियों ने सोनारपुर से दो शिक्षकों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त शिक्षकों के नाम दीपंकर मंडल व सुब्रत हालदार है। पुलिस ने इस अभियुक्तों के पास से चार छिपकलियां बरामद की। बताया जा रहा है कि 5,70,000 रुपए में इन छिपकलियों की बिक्री की जा रही थी। इन अभियुक्तों को रविवार को बारुईपुर अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। मुर्शिदाबाद थाने की पुलिस ने मुर्शिदाबाद के लालगुला के पास एक अभियुक्त को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त का नाम अब्देसलाम उर्फ जाकिर शेख है, जिसे रविवार को अदालत में पेश किया गया। पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान हो रही हिंसक घटनाओं के बाद अब लोगों को नई तस्वीर देखने को मिल रही है। जगह जगह जिंदा बम बरामद होने की घटना सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद स्थित एक मंदिर के पास पुलिस ने तीन पैकेटों में रखे जिंदा बम को बरामद किया। पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान हिंसक घटनाएं घटने के बाद अब जिले के विभिन्न जगहों में नई घटनाएं देखने व सुनने को मिल रही है। शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा स्थित एक शिव मंदिर के पास तीन बैगों से भरे जिंदा बम बरामद हुए।
बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग जब सुबह मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें मंदिर के बाहर 3 बैग रखा हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने बैग को खोला तो उन्होंने बैग के अंदर जिंदा बमों को देखा, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बमों को निष्क्रिय कराने के लिए बॉम्ब स्क्वाड टीम को इसकी सूचना दी। वही यह बम किसने और किस मकसद से रखा, पुलिस इसकी पड़ताल करने में जुट गई है। वही नदिया में भी एक सीपीआई समर्थक के घर पर एक बम विस्फोट होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का जायजा लेते हुए घर के पास से 7 बमों को जब्त किया। नदिया जिले के आनुलिया में बम का धमाका होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सुबोध हल्दर नामक एक व्यक्ति के घर में शनिवार की सुबह बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद इस घटना की जानकारी रानाघाट थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस जानकारी पाकर मौके पर पहुंची, व स्थिति का जायजा लेते हुए सुबोध हल्दर के घर के पास से 7 जिंदा बमों को बरामद किया। इन बमों को निष्क्रिय कराने के लिए पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड की टीम को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर कड़ी पहरेदारी कर रखी है, ताकि बम वाले स्थान पर कोई न जाए व कोई दुर्घटना न घट जाए। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबोध बाबू सीपीआई पार्टी के समर्थक है, शायद विपक्षी दल के समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি, উঠে পড়ার পরে সেই সুবল হালদারের বাড়িতে এখানে নতুন বাড়ি করছে। সেই নতুন বাড়ি মালদা মে এক শিক্ষক কো দূসরে শিক্ষক দে বড়ি কি বেরহমি কে সাথ মারা পিটা, জিসকে বাদ ঘায়ল অবস্থা মে শিক্ষক কো অস্পতাল মে ভর্তি করায়া গিয়া। আই আপকো দিখাতে হ্যায় আখির মে মাজরা হ্যায় কিয়া। মালদা মে এক এসে ঘটনা ঘটি জো কি বেহদ হি শরমনাক হ্যায়। এক শিক্ষক দ্বারা দূসরে শিক্ষক পর অত্যাচার করনে কি ঘটনা সামনে আই হ্যায়। जानकारी के अनुसार प्रताप मंडल नामक एक शिक्षक मालदा के एक गैर सरकारी स्कूल में कार्यरत है। प्रताप मंडल का आरोप है कि अपूर्व घोष नामक शिक्षक स्कूल में मिड डे मील के लिए सरकार द्वारा दिए गए चावल को बेच रहे हैं, जिसका विरोध करने पर प्रताप मंडल को अपूर्व घोष ने बेरहमी से मारा पीटा, जिसको लेकर प्रताप ने अपूर्व के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। लेकिन फिर भी अपूर्व का मनोबल कम नहीं हुआ, वह प्रताप से महीने में 2000 रुपयों की मांग करने लगा। जब प्रताप ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में तिलमिलाए अपूर्व ने अपने लोगों के साथ मिलकर प्रताप को इतनी बेरहमी से मारा पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। इधरने एक अभियोग हमारे কাছে 2-1 দিন আগে একটি এসেছে, মানে কপি দিয়েছে। এই ব্যাপারটা আমরা আমাদের যিনি এসআই অফ স্কুলস আছেন তাকে নির্দেশ দিয়েছি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য। অভিযোগটার সত্যতা আমরা আগে যাচাই করি। যাচাই করার পরে আমাদের তরফ থেকে ওনারা তো এফআইআর করেছেন, মানে থানাতে অভিযোগ দায়ের করেছেন, তো আমাদের কাছ থেকে যদি কোনো তথ্য দরকার হয় বা থানার অভিযোগের স্বার্থে অভিযোগটাকে নিয়ে যদি কোনো তথ্য। আমার স্বামী 2016 সালে দরিয়া পুলিশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তি চায়ন হিসেবে জয়েন করে, জয়েনের পরে পরে ও 2 কুইন্টাল চাল বিক্রি করে দিয়েছিল। ওটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারামারি হয়েছে, এভাবে প্রতিনিয়ত অত্যাচার করে চলেছে। এমনকি 19-4-2018তেও মারামারি হলো। আমি আমার শিলামপুরে ভর্তি করলো, সেখানে ঠিক না হওয়ায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। 21 তারিখে ভর্তি হয়েছে, 23 তারিখে চলেছে। এখন ব্যথা আছেই কিন্তু আমরা আতঙ্কিত, এর ফলটা আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। কোথায় কোথায় জানিয়েছেন? চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে, এসপিকে জানানো হয়েছে, ডিএমকে জানানো হয়েছে। কি বলছে? কোনো কিছু কাজ হচ্ছে না। এর আগেও জানিস আমি নিজেও গেছিলাম চেয়ারম্যান। কেন টাকা চাই? কি চাইছে ওরা? ও টাকা চাই। কিসের টাকা? জবরদস্তিমূলক টাকা চাই, ক্যাশ চাই। এখন স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে, এখন আতঙ্কিত অবস্থা আছে, এমনকি আমার ফ্যামিলি ছোট বাচ্চা সহ আমরা সবাই আতঙ্কিত। আমি দাঁড়িয়ে এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড টিচার বসন সরকারের আন্ডারে 10-9-2016 সালে অপূর্ব ঘোষ চাল বিক্রি করতে না পাওয়ায় আমাকে প্রচণ্ড ভয় মেরেছিল যে পায়খানা পেশা ছুটি দিয়েছিল। তারপরে প্রতিনিয়ত সে 15-11-7-8 তারপরে গত 19 তারিখে হেড টিচারের মিটিংয়ে আমাদের ড্যাশে টেনেছিল, কোথায় থেকে হঠাৎ করে উঠে চলে আসলো, এসে একদম প্রচণ্ড সাপ ছাড়া করে ঠেলে 50টা হেডমাস্টারের সামনে আমি হান কোন রকমে পালিয়ে বাঁচি। मालदा जिले में हुए सड़क हादसे में एक ट्रक सवारी की मौत हो गई, वहीं अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना में घातक लॉरी को जब्त कर लिया है। वहीं अभियुक्त लॉरी चालक की तलाशी में जुट गई है। शनिवार को मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत सुस्थानी मोड़ पर एक ट्रक व एक लॉरी की आपस में टक्कर होने से
ट्रक में सवार एक यात्री की मौत हो गई, वह अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इस घटना में अपना एक पैर हमेशा के लिए खोना पड़ गया। मृतक का नाम बालू घोष था, वह घायल व्यक्ति का नाम दुलाल शाह बताया जा रहा है। घायल अवस्था में दुलाल शाह अभी अस्पताल में चिकित्साधीन है। पुलिस ने घातक लॉरी को जब्त कर लिया है, वहीं लॉरी का चालक घटना के बाद से फरार है। वो दुलाल शाह पुलु घोष जा चलो गाड़ी से उठे पार्किंग। अच्छा, कौन पार्किंग? वही मोदीपुर पार्किंग। अच्छा, মোদির পার্কিং যাতে দেখি পাড়াতে টেকারে টেকারে যাচ্ছিল পিছন দিকে, এবার পিছন দিকে গাড়ি দাঁড়া গাড়ি দাঁড়াল ছিল, প্যাসেঞ্জার নামাল ছিল আর পিছন থেকে লড়ে দিয়ে মেরে দিয়েছে। আই দেখে থে পশ্চিম বঙ্গাল থেকে কিছু অন্য বড় খবর। বীরভূম মে এক সনসনিখেজ ওয়ারদাত হুই জিসে দেখ বা শুনকর আপ সবি কা দিল দহল জায়েগা। জি হ্যাঁ, হাম বাত কর রহে হ্যায় বীরভূম কি। বীরভূম কে মোহাম্মদ বাজার থানে ইলাকে কে विभिन्न जगहों पर करीब 20 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। इलाके में इस तरह बम बरामद होने से स्थानीय लोग काफी आतंकित महसूस कर रहे हैं। इस घटना की सूचना बॉम्ब स्क्वाड टीम को दी गई, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने बमों को निष्क्रिय किया। वहीं यहां किसने व किस मकसद से बम को रखा था, पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ताजा और अपडेटेड खबरों के लिए देखना ना भूलिए लाइव कोलकाता। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।